नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी इंडिया। रमजान की मार को लेकर अब राजनीतिक गर्माहट तेज हो गई है, जहां कुछ दिन पहले ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन ने उसे रोक दिया था। वहीं उसके बाद हिंदू युवा वाहिनी बस्ती जिला प्रभारी अज्जू हिंदुस्तानी ने निर्माण रोके जाने के पीछे सपा नेताओं की राजनीति बताया था। वहीं आज फिर सपा नेताओं द्वारा रमजान की मार पर हवन पूजन किया जा रहा है। ऐसे में इसको लेकर जिस तरीके से राजनीति गरमा रही है, उससे किसानों का कितना फायदा होगा यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक रोटी सेकने में जरूर। हम सब लोग आज आप सब लोगों के साथ एक चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि रामजान की मार्ग को जिस योजना रचना से अवरुद्ध करने का कुचक्र रचा जा रहा है, समाजवादी पार्टी के कुछ पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री द्वारा और साजिश में पूर्व के मुख्यमंत्री श्रीमान अखिलेश जी और रामगोपाल जी, इसमें एकदम साफ शब्दों में एक वायरल हो रहा है। उसमें कहा भी जा रहा है कि इस रास्ते को बंद करिए, रोकिए। जहां रामजान की मार्ग को रोकने की बात कही जा रही है, क्यों राम से खाली इन समाजवादी पार्टियों को राम से ही क्यों चिढ़ है? कुछ अल्पसंख्यक जगहों पे जाकर बैरागल में बैठकर धरना प्रदर्शन किया जाता है और धरना प्रदर्शन करने के बाद रास्ते को रोका जाता है। हम भी मानते हैं कि जहां भूमि अधिग्रहण का पैसा ना दिया जाए वहां काम नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम केंद्र और प्रदेश की सरकार पैसा दे रही है, 8 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण करके उसका मुआवजा दे रही है, तब क्यों रोका जा रहा है? जगह जगह हम छाजन और टोल प्लाजा बनाने के लिए उसका पैसा भी हम मुआवजा दे रहे हैं, तब क्यों रोका जा रहा है? एक योजना रचना खाली एक है कि राम का नाम है इसलिए, श्री राम का नाम है इसलिए इसका विरोध होना चाहिए। और हवन किस परिप्रेक्ष्य में आप लोग कर रहे हैं? देखिए, रामजान की मार के हजारों किसान बहुत पीड़ा में और उनकी जमीन को निरंतर नेशनल हाईवे द्वारा कब्जा किया जा रहा था। और हम बधाई देते हैं बस्ती के जिलाधिकारी महोदय को, एसडीएम हरैया को, एसडीएम सदर को, जिन्होंने संज्ञान लिया हम लोग की बातों का और काम रोकने का काम किया। काम रुकते ही कुछ हिंदूवादी संगठन जिससे जुड़े हुए लोग एकाएक प्रकट होते हैं, जो पैसठ भी नहीं दिखाई पड़ रहे थे कहीं, और वो कहते हैं कि ठेकेदार उनका काम करे। यहाँ जो किसानों के सीने पे बुलडोजर चला रहा था, उस किसान के लिए ये लोग कहीं नहीं दिखे। उस ठेकेदार को थोड़ी सी दिक्कत हो गई तो उसके लिए ये लोग प्रकट होते हैं, और प्रकट होते ही क्या कहते हैं कि भगवान श्री राम का हमने काम रोक दिया। अरे, इनका भगवान श्री राम से नाता क्या है, जरा ये आके हम लोग को भी बताएं। भगवान श्री राम से हम लोग जुड़े हैं, हम उनके वंशज हैं भगवान श्री राम के। इनको पता भी है भगवान श्री राम है क्या? भगवान श्री राम के रास्ते के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जमीन दी है। इन्होंने कितनी जमीन दी है ये आके बताओ जरा, यहाँ रामजान की मार्ग पे इन्होंने ये बताओ जनता के बीच में आके कि कितनी जमीन इनकी रामजान की मार्ग में गई है। श्री रामजान की मार्ग में जमीन देने का काम हमने और हमारे पूर्वजों ने और इलाके के तमाम किसानों ने दिया है। आज भगवान श्री राम भी होते तो ऐसे लोगों से वो बिल्कुल उनका इलाज करते, ऐसे लोगों का वो कहीं संतुष्ट नहीं होंगे। भगवान श्री राम ऐसे लोगों से, भगवान श्री राम के काल में उनके युग में कैसे लोग रहते थे इनको पता होना चाहिए। जनता का उत्पीड़न कहीं नहीं होता था। आज हम कह रहे हैं कि सरकार अगर ऐसी है जो भगवान श्री राम को मानने वाली है तो किसानों को 4 गुना मुआवजा के बजाय वो 8 गुना मुआवजा दे दें। ये सब राम भक्त हैं, जितने यहाँ इस रामजान की मार्ग पे सब भगवान श्री राम को मानने वाले लोग हैं। आप उनके ऊपर बुलडोजर चलवा रहे हो, उनके सीने पे बुलडोजर चलवा रहे हो। अरे, शर्म आनी चाहिए। हम ऐसे लोगों का भर्त्सना करते हैं जो कभी किसानों के बीच में ना आए हो, कभी उनके दुख दर्द में ना आए हो 65 दिनों में, और एकाएक प्रकट होते हैं तो किसके लिए? ठेकेदारों के लिए। ठेकेदार की हिमायती है ये लोग, ये सब ठेकेदार हैं, और इनकी हम गहनता से जांच हम लोग मांग करते हैं। हमारी आवाज सुन रहे हैं जो लोग, इनकी गहनता से जांच करें और बेनकाब करें ऐसे लोगों।